कैसे हैं सभी छात्र छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ भौतिक विज्ञान। विषय है हमारा भौतिक विज्ञान और टॉपिक है हमारा भौतिक विज्ञान में तरंग। तरंग में पार्ट टू, पार्ट वन हम तरंग का कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी जो क्लास है पार्ट टू में हम तरंग का जो टॉपिक है वो पूरा कर लेंगे। और इससे संबंधित तरंग से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको पार्ट वन और पार्ट टू में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, ताकि आप लोगों का किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और बहुत अच्छे तरीके से समझें, और उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उसका हमसे बिना इस कैंपस से समाधान कर सकते हैं। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, आप लोगों का वेलकम है, आप लोगों का अभिनंदन है। चलिए आइए देखते हैं पार्ट टू में मैं आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं और क्या इंपॉर्टेंट आपको मुझे समझाना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए आइए, विषय भौतिक विज्ञान, ठीक है, और टॉपिक है तरंग गति पार्ट टू। क्लियर है, तरंग गति पार्ट टू। तो देखते हैं, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, विक्षोभ मतलब लहरें, चाल, विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। आपने देखा होगा कि समुद्र में जो लहरें उठती है ऐसे ऐसे देखा है ना आपने, और ये कभी ऊपर आती है कभी नीचे आती है, तो ये तरंगे हैं। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को, देखो ये यहां से शुरुआत हुई थी और ये यहां तक आगे बढ़ी, ठीक है, तरंग गति कहते हैं या तरंग गति कहा जाता है, सब एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपन की कला, क्वेश्चन आता है कंपन की कला क्या है, फेज ऑफ वाइब्रेशन। कंपन मतलब हम सबको पता है कि कंपन क्या होता है, आपने मोबाइल सब यूज करते हैं, मोबाइल में आप अगर साइलेंट पर डाल देते हैं, वाइब्रेट पे डाल देते हैं, तो उसमें कंपन होता है ना कि बेल बजती है, ठीक है। इसी तरीके से कोई चीज जैसे बाइक है, बाइक को जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक कंपन धड़कन होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में जब दिल धड़कता है तो ये भी एक कंपन की स्थिति होती है, तो इसे ही कहा जाता है। तो कंपन की कला, फेज ऑफ वाइब्रेशन। आवर्त गति में, आवर्त कहते हैं चाल को, ठीक है, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की, किसी क्षण मतलब किसी चाल में, जैसे ये है, ये चाल है और इसमें गति करते हुए किसी क्षण, क्षण मतलब एक समय पे, एक निश्चित समय पे या किसी भी फिक्स टाइम पर, किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को, स्थिति मतलब कंडीशन और गति मतलब डायरेक्शन, ये जैसे इसकी डायरेक्शन है पश्चिम से पूर्व, ठीक है, गति की दिशा को जिस राशि द्वारा, राशि मतलब जो उसकी चाल है, राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण के कंपन की कला कहते हैं। निरूपित मतलब दिखाया जाता है, जो दिखाई देती है उसे ही उस क्षण की कंपन की कला कहा जाता है। और कंपन की कला क्या है, आप इतना समझ लीजिएगा बस, किसी भी चीज में वाइब्रेशन का होना या किसी भी चीज का धड़कना या किसी भी चीज का झंझनाहट, वो ही वाइब्रेशन या कंपन की कला कहलाता है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी तरंगे है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में। तो मैंने सबको एक जगह कलेक्ट कर दिया है आप लोगों की फैसिलिटी के अनुसार, ताकि आप लोगों का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्या हुआ साक्षी, समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड।
निम्न तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। देखिए कौन कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, कैनाल किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब एक बार फिर देख लीजिएगा कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कैथोड नहीं है, अल्फा नहीं है, बीटा नहीं है, कैनाल नहीं है, ध्वनि नहीं है, पराश्रव्य तरंगे नहीं है, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आयाम। आयाम का इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड। आयाम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एम्पलीट्यूड। देखिए दोलन, दोलन मतलब जैसे ये है तो ये चीज इससे लग रही है, बार बार अटैच हो रही है और फिर इधर जा रही है, फिर लग रही है फिर इधर जा रही है, तो इसे दोलन कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का लेफ्ट राइट होना या नॉर्थ साउथ होना, और फिर उसी जैसे इस बिंदु से चली इस बिंदु पे आई, फिर इस बिंदु से इस बिंदु पे आई, इस बिंदु से इस बिंदु पे आई, तो इसे दोलन कहा जाता है, किसी भी चीज का दोलन। ठीक है, दोलन करने वाली अपनी साम्य स्थिति की, साम्य मतलब जो उसकी डायरेक्शन है, जो उसकी चाल है, साम्य स्थिति की किसी भी ओर, मतलब किसी भी ओर, उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सके, ऐसे भी हो सके, ये वाली ठीक है, और ये वाली भी हो सके, कुछ भी हो सके। ठीक है, दोलन। लो मैं लिख दिया, ठीक है, उत्तर से दक्षिण हो रही है दोलन की गति, यहां पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम एक ही आंसर है, उसमें कोई आप टेंशन वाली बात ना लो। साम्य स्थिति किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। आगे समझ, जैसे इस बिंदु से इस बिंदु तक ये गई और फिर वापसी हुई, तो ये इसका दोलन का आयाम बिंदु है, फिर ये आयाम है। इसी तरीके से यहां तक ये दोलन का आयाम बिंदु है। ठीक है, दोलन का आयाम कहते हैं। नेक्स्ट है तरंग धैर्य या वेव लेंथ। तरंग धैर्य या वेव लेंथ, देखिए तरंग गति में समान कला में, तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले, कंपन मतलब वाइब्रेशन करने वाले, वाइब्रेट करने वाले, या फिर ये कह लो कि ध्वनि करने वाले, या फिर ये कह लो कि झंझनाहट करने वाले, तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो कर्मागत, याद रखना दो कर्मागत कणों के बीच की दूरी को तरंग धैर्य कहा जाता है। ठीक, क्या समझे, क्या समझे बताइए, दो कर्मागत कणों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंग धैर्य। जैसे ये कण है, एक कण ये है और एक कण ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे तरंग धैर्य कहा जाता है, जैसे ये, ठीक है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कहा गया है, तरंग धैर्य। नेक्स्ट पॉइंट है अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास, जो अनुप्रस्थ तरंग है उनमें दो पास पास के शरंगों अथवा गर्तों के बीच, शरंग मतलब और गर्त मतलब गड्ढा, ठीक है, के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में, यह अनुप्रस्थ है, ठीक है, यह है अनुदैर्ध्य तरंगों में
संपीड़नों या विरलों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के श्रृंगों, श्रृंग मतलब कोई वस्तु पास पास, ठीक है, अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ तरंगों में संपीड़नों, संपीड़न मतलब चाल, या विरलों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। नोट है, सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, कोई भी तरंग हो चाहे, उनमें जो तरंगों की चाल है, तरंग दैर्ध्य वे आवर्ती के बीच निम्न संबंध होता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सभी प्रकार की तरंगे, वो कोई भी रही हो, अल्फा रही हो, बीटा रही हो, गामा रही हो, कुछ भी सर्वैय रहे हो, एक्स वाई जेड, सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य वे आवर्ती के बीच निम्न संबंध होता है। इसका फॉर्मूला है, याद रखना, आवर्ती गुना तरंग दैर्ध्य बराबर तरंग चाल। तो आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य बराबर तरंगों की चाल, ये आप याद रखना। तो मित्रों, ये था आज का हमारा तरंग का टॉपिक पार्ट टू, ये हमने तरंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद है हमारी ध्वनि की चाल। नेक्स्ट जो क्लास आपको दी जाएगी वो दी जाएगी ध्वनि की चाल पर, और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी आज ही के दिन उपलब्ध आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको कंटिन्यूटी के साथ प्रतिदिन क्लास उपलब्ध कराई जाती है। आप बिल्कुल निश्चित होकर ईमानदारी के साथ पढ़े और आगे बढ़े। चलिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।